देखिए, जो इतना बड़ा आंदोलन इससे पहले हुआ, वो आंदोलन के फ्लॉप होने के कारण क्या क्या रहे, उन पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो इस दौरान आपके समक्ष में रखने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, सारी बातों को सुनिएगा, उसके बाद कोई कंक्लूजन निकालिएगा। कई लोग आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और स्किप करके देखते हैं, तो फिर उनको पूर्णतः समझ में नहीं आता है कि वास्तव में हुआ क्या था या कहाँ से क्या हुआ। बीच बीच में देखते हैं तो अधजल गगरी छलकत जाए वाला सिस्टम हो जाता है। तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद जाकर के आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में प्रेषित कीजिएगा। कमेंट बॉक्स जो है खुला रहेगा, तो उसमें आप अपने सुझाव जरूर प्रेषित कर सकते हैं, जिनको कि नेक्स्ट अगली वीडियो में हम मेंशन करना चाहेंगे। जो भी सुझाव आपके वैल्यूबल होंगे, उनको हम जरूर अगले वीडियोज में मेंशन करेंगे। तो इसलिए आप अपने अच्छे अच्छे सुझाव को हमें भेजिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बिल्कुल, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने दोहा बोला था, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, बिल्कुल यही हालत इस समय अतिथि शिक्षकों की हुई हुई है। कैसे? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आखिर सैलरी बढ़े तो क्या है, कोई फायदा नहीं है। देखिए, क्यों फायदा नहीं है? कई लोग कहेंगे नहीं, सैलरी बढ़ने से तो फायदा है, क्यों फायदा नहीं है, उसको अभी जानेंगे तथ्यात्मक रूप से। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह काम करने काज का, बिल्कुल बेकार। पंथी को छाया नहीं, जब उसका फायदा आपको मिलना ही नहीं है, जब उसका कोई औचित्य ही नहीं रहता है, फल लागे तो दूर, तो फिर वो तो दूर के ढोल सुहावने या फिर अंगूर खट्टे हैं वाली बात होगी। बिल्कुल दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के यही हाल इस समय बने पड़े हैं। बड़ी जिल्लत भरी जिंदगी जीने को विवश हो गए हैं। एक टाइम पर जो ठीक ठाक नौकरी कर करके अपना घर चलाते थे, वो लोग इस विभाग में यहां पर इसलिए आए कि आज नहीं तो कल कभी जाकर के परमानेंट होंगे, संविदा पाएंगे या परमानेंट होंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां तो उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे टेंशनें भी बढ़ रही है। पता नहीं कितनों की नौकरी आगे आने वाले कुछ समय तक इनमें से रहेगी और या फिर नहीं रहेगी। कर लीजिए सैलरी को 40,000, लेकिन जब आपकी नौकरी नहीं रहेगी तो उस 40 का क्या करोगे, कितने टाइम तक मिल पाएगी वो 40? भैया, सबसे पहले अपने सुरक्षित भविष्य को देखिए, वरना फिर दर दर ठोकरे खाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, कोई फायदा नहीं मिलेगा इसका। देखिए, जो इतना बड़ा आंदोलन इससे पहले हुआ, वो आंदोलन के फ्लॉप होने के कारण क्या क्या रहे, उन पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो इस दौरान आपके समक्ष में रखने वाला हूं। सभी अतिथि शिक्षकों के अपने अलग अलग मसले हैं। किसी का जनपद स्तरीय मसला है तो किसी का मंडल स्तरीय मसला है। कोई घर से 1100 किलोमीटर दूर 25,000 की नौकरी है, 1100 किलोमीटर दूर, उसको आने जाने में कितना टाइम लगता होगा, और अपने घर वालों से कितने समय बाद वो व्यक्ति मिलता होगा, बड़ी विडंबना है। और आपका संघ क्या कर रहा है, वो आपको गोलियां दिला रहा है, गोलियां। वो छोटे छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दिया जाता है ना खुश करने के लिए, वो लॉलीपॉप आपको दिए जा रहे हैं।
आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कोई जागरूक व्यक्ति आपके संघ में क्या नहीं रह गया है? यह संघ जो है वो क्या बुद्धिजीवी व्यक्ति इस संघ में नहीं है? यदि हैं तो फिर वो कहां हैं? या फिर ये हठ धर्मिता है कि बुद्धिजीवी वो बुद्धिजीवी जो हैं उनको बिल्कुल किनारे कर दिया जा गया है, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है? जी हां, कुछ ऐसे ही खुलासे हैं जिन पर आज डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में, पूरा देखिए वीडियो। उन व्यायाम और कला वालों को कौन भूल सकता है जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल से अपने घर पर बैठे हैं। सोचिए किस प्रकार से उनका जो जीवन यापन हो रहा होगा, परिवार कैसे चल रहा होगा, सोचनीय विषय है। लेकिन एक डेढ़ साल से उनको लॉलीपॉप जैसा एक गोली जो होती है ना वो दी जा रही है। अरे भैया, आखिर कर क्या रहे हो? संघ बनता किस लिए है? क्या फायदे हैं इस संघ से जुड़ने के? फिर इतनी बार जिन लोगों ने पैसा दिया उसका क्या फायदा हुआ उनको पैसे देने का? आप कहते हैं आंदोलन में भी आइए, पैसा भी जमा कीजिए, सब कुछ करने के बाद लास्ट में सिलसिला ये मिलता है उनको, उसका सिला क्या मिला कि बाहर बैठना पड़ रहा है। आज वो बाहर है, कल हिंदी वाले होंगे, परसों अंग्रेजी वाले होंगे, भाई सबकी बारी आने वाली है। इस स्तर से अगर आप काम करेंगे, इस रूपरेखा के साथ अगर आप काम करेंगे तो सुनिश्चित है कि आप भी आज नहीं तो कल बलि का बकरा बनने वाले हैं। समय रहते अगर आप चेत जाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आंदोलन के फ्लॉप होने के मुख्य कारण। आंदोलन जो फ्लॉप हुआ उसका सबसे प्रमुख कारण है कि कार्यप्रणाली, जो कार्यप्रणाली थी संघ की या पदाधिकारियों की, वो बिल्कुल अस्पष्ट थी। कुछ भी सुनियोजित या फिर सुव्यवस्थित नहीं था। कार्यप्रणाली थी क्या? क्या किसी गेस्ट टीचर को पहले बताया गया था कि होना क्या है? कुछ भी नहीं। लिखित आदेश के रूप में कुछ आया आपके पास इस प्रकार का कि जिसमें एक रूपरेखा बनी हो? नहीं। क्या आपसे सुझाव मांगे गए कि क्या करना चाहिए? नहीं। बस सिर्फ इतना था कि 2 तारीख से आंदोलन होना है, भाई पहुंच जाइए। चलिए, अतिथि शिक्षक भी बड़े तन मन धन के साथ पहुंचे वहां पर, लेकिन वहां पर जाकर के भी ये पता नहीं है, वास्तव में लगा था कि कार्यकारिणी के पास कोई ना कोई रूपरेखा होगी, लेकिन वहां जाने के बाद पता लगा कि कार्यकारिणी के पास भी कोई रूपरेखा नहीं है। यदि कार्यकारिणी के पास कोई रूपरेखा नहीं है तो फिर किस प्रकार से आंदोलन सफल हो सकता है? प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही जो है आंदोलन किया जाता है। और हमें यह लगता है कि यह आंदोलन दबाव में लिया गया एक फैसला था खाली, क्योंकि धामी जी ने भी कई बार इस प्रकार का अल्टीमेटम दिया था, दंगवाल जी एकदम जागे हुए हैं। जब पुराने कार्यकारी जो सदस्य हैं वो तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है, तो क्या हो गया भाई? उनका सहयोग लीजिए, क्यों नहीं ले रहे उनका सहयोग? क्या दिक्कत है उनके साथ चलने में? नहीं भाई, भाई ये भी तो इसी अतिथि शिक्षक संघ जो है उसके सदस्य होंगे, तो क्या इनकी राय नहीं ली जानी चाहिए? क्या संघ के जो पदाधिकारी हैं वो सर्वे सर्वा हो गए हैं? मतलब अध्यक्ष सर्वे सर्वा हो गया है? क्या ऐसा होता है? सोसाइटी जब गठित होती है तो उसके नॉर्म्स जो होते हैं काफी वास्ट होते हैं, विस्तृत होते हैं। क्या एक अध्यक्ष को इन सब चीजों की पावर है? हमने भी समिति बनाई है, समितियों के बारे में जानकारी रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सर्वे सर्वा मत बनिए, सबकी राय लीजिए। दूसरा आंदोलन जो फ्लॉप हुआ उसका दूसरा जो मुख्य कारण है वह है कार्यप्रणाली को स्पष्ट न करना, और जो समिति के सदस्य हैं या फिर संघ के सदस्य हैं
उन तक प्रसारित न करना। देखिए अध्यक्ष सिर्फ एक इसी समय पर डिसीजन लेने के लिए नहीं है, बाकी टाइम पर अध्यक्ष के अलावा सचिव या फिर कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष, ये जितने भी हैं सब मिलकर के बैठते हैं, सबसे सुझाव लेते हैं। भाई जिले की कार्यकारिणी है और उसके बाद ब्लॉक लेवल की कार्यकारिणी है, इतने सारे कार्यकारिणी में सदस्य हैं, भाई 13 जिले हैं, उसके बाद हर जिले में 10-10 11-11 ब्लॉक है, इतने लोग हैं, इतने लोगों का जो आदान प्रदान है विचारों का वो क्यों नहीं होता है। और वर्ष भर में कोई मीटिंग नहीं, वो भी जबरदस्ती मीटिंग कराई जाती है, ऐसे क्या फायदा बताइए। और उस मीटिंग में भी जो है आपके कार्यकारी जो भी कार्यकारी के सदस्य है वो आते नहीं है, या वो प्रतिभा करते नहीं है, या फिर करते हैं तो मौन व्रत धारण कर लेते हैं उस वक्त। जो तीसरा कारण है इसका, वह है संगठन के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ तालमेल की कमी है। मैं लास्ट टाइम देख रहा था कुछ जो जनपद के सदस्य हैं जिनको हम कह सकते हैं, या ब्लॉक अध्यक्ष हैं या जनपद के अध्यक्ष हैं, तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं क्योंकि उनकी बातें जो है सुनी नहीं जा रही है। कुछ विशेष लोगों का जो ग्रुप है या गुट है वो अलग रूप से चल रहा है, तो क्या ये सही है? क्या ये अतिथियों के भविष्य के लिए उचित कदम है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबको साथ लेकर के चलना, अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष, इनकी सबकी जिम्मेदारी होती है, तो फिर ऐसा क्यों? कई गुट बने हुए हैं, ये गुटों का मतलब क्या होता है? लंबे समय से अध्यक्ष कार्यरत हैं तो उनके कार्यों का परिणाम दिखना चाहिए ना। अगर आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो आपके कार्यों का परिणाम दिखना चाहिए, तो कार्यों का परिणाम कहाँ है? है भी कुछ कहीं, हमें तो कहीं दिखता नहीं है। चौथा जो आंदोलन के फ्लॉप होने का प्रमुख कारण है वह है ठोस निर्णय न ले पाना। संघ में पदों पर ऐसे व्यक्तियों को बैठाया गया है कि जो ठोस निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे विभाग चाहे मंत्री सब ने भाप लिया है कि इस संगठन का जो नेतृत्व है वो लचर है। लचर मींस आप समझ गए होंगे, तो इसलिए उन पर कोई दबाव है ही नहीं, वो आपके आंदोलन को आंदोलन जैसा समझते ही नहीं है। आप बाकी विभागों के आंदोलन को देखिए, उनके सामने कैसे सरकार झुक रही है, उनके सामने कैसे मंत्री झुक रहे हैं, उनके आंदोलन में दम है, उनके जो लीडर्स हैं वो फ्रंट लाइन आकर के काम कर रहे हैं। क्या आपके लीडर्स फ्रंट लाइन काम करते हैं? क्या आपके लीडर्स ये कह सकते हैं कि भाई हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम जो है भूख हड़ताल कर देंगे या आमरण अनशन कर देंगे? क्षमता ही नहीं है। अगर इस प्रकार की क्षमता नहीं है तो फिर पद पर रहने का या बने रहने का कोई फायदा नहीं है। जो अगला पॉइंट है इसका कि फ्लॉप होना आंदोलन का, तो वह है संख्या बल का लाभ न ले पाना। इतना बड़ा संख्या बल था देहरादून में, इतना बड़ा जुलूस था गेस्ट टीचरों का, नतीजा क्या हुआ? खाली हाथ घर पहुंचे भैया, जो था वो भी नहीं रहा। जो जॉब कर रहे थे बेचारे, जो ऑन ड्यूटी थे उनकी तो सैलरी भी कटी, ऊपर से वहां जाकर के बातें सुनने को अलग मिल रही है। भाई क्या कर लिया तुमने? गए काहे के लिए थे? चूहे की दवा खाली थी क्या? दिमाग खराब हो गया था क्या? इस प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं। वास्तव में उनका कथन भी सही है और उनका जो कहना है वो जायज भी है। हम तो साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बोलते हैं कि अगर आंदोलन का परिणाम कुछ भी नहीं होना था तो उठने की आवश्यकता क्या थी? उठना नहीं चाहिए था भाई,
पेपर था, और पेपर के बाद फिर से वापस आते। कुछ लोग तो थे, वो बैठ सकते थे तब तक, लेकिन नहीं। अगला इसका जो मुख्य पॉइंट है वो है गलत समय चुनना। ये सभी जानते थे कि इसी मंथ में एलटी का पेपर है और गेस्ट टीचर में से भी ज्यादातर लोगों ने फॉर्म भर रखा है ये बात। लेकिन इस संघ का नेतृत्व तो नहीं जानता था, इवन मंत्रियों को भी पता था। देखते हैं ये कितने, वो तो जानबूझ करके इंतजार कर रहे थे आपका कि देखते हैं एलटी का पेपर है, ये कहां बैठे रहते हैं। और वास्तव में जो उनने सोचा वो बिल्कुल क्लिक कर गया। उनको ये बात पहले से ही प्री डिफाइन थी कि सब लोग एलटी के पेपर तक अनिवार्य रूप से उठ जाएंगे। भाई परेशानी कब होती है? जब धरना लगातार क्रमशः चलता रहे। उनको तो पता था आप उठने वाले हैं भाई, उन्हें क्या करना था, वो काहे के लिए तुम्हारी बातें माने। इवन मंत्री भी तुम्हारे सामने आने को तैयार नहीं थे, उनको पता था कुछ नहीं होने वाला। अरे बैठे रहो 2-4 दिन, कोई बात नहीं चल जाएगा। ऐसा होता रहता है, ऐसे आंदोलन करने के लिए कितने आते हैं कितने जाते हैं। अगला पॉइंट इसका कहता है कि विपक्ष की भूमिका को नजरअंदाज करना। आप अगर एक पक्ष को लेकर के बैठे होंगे और वो पक्ष भी आपका पक्षधर न हो, भाई गवर्नमेंट, आप कहते हैं गवर्नमेंट ने ये करना है और गवर्नमेंट आपके पक्षधर है नहीं, आप लंबे समय से देख रहे हैं, तो भाई आपको क्या करना चाहिए? आपको विपक्ष को लीजिए ना, विपक्ष वहां पर एटलीस्ट कैबिनेट में तो उठाएगा इस मामले को, जोर शोर से उठाएगा। विपक्ष इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि आप विपक्ष को नजरअंदाज कर रहे हैं, आप विपक्ष को शून्य समझ रहे हैं। आपने विपक्ष को एक प्रकार से यूं कह सकते हैं, हमारे उस प्रकार के शब्द में, लुच्छू समझ लिया। इसीलिए तो विपक्ष आपके लिए कुछ करना नहीं चाहता है, करे भी क्यों? क्योंकि जैसी इज्जत दोगे वैसी इज्जत लोगे। विपक्ष को इज्जत थोड़ा सा दी होती तो विपक्ष आपके लिए लड़ने के लिए वहां पर खड़ा होता, लेकिन नहीं जी, नहीं, विपक्ष को नहीं लाना है, विपक्ष को ला करके खराब हो जाएगा मामला। अरे अब कौन सा अच्छा हो गया है, और इतने सालों से अच्छा हो क्या रहा था? हमें भी तो बता लेंगे क्या अच्छा हो रहा है, कुछ भी अच्छा तो दिखा नहीं हमें, जो था वो भी गवा दिया सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे हिसाब से है वो है जानकार लोगों का कार्यकारी कार्यकारिणी में न होना। कार्यकारिणी में वे सदस्य होते हैं जो उस चीज को जानते हैं, जो उसके बारे में जानकारी रखते हैं। ये तो वही वाली कहावत होगी, आ बैल मुझे मार, जबरदस्ती का। अरे भैया जब जानकारी नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है तो उसको अध्यक्ष पद पर है, उपाध्यक्ष पद पर है, या कार्यकारी अध्यक्ष पद पर है, या सचिव पद पर रख करके क्या फायदा बताइए? काय के लिए उसको ऐसे व्यक्तियों को पद दिए गए हैं? भाई इस संगठन में कई जानकार लोग हैं जो इस काम को आसानी से करवा सकते थे, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, अपने नेतृत्व के बल पर, अपनी एबिलिटी के बल पर, लेकिन नहीं। उनको कार्यकारिणी में रखना तो दूर की बात है, उनको कार्यकारिणी के आसपास भी भटकने नहीं देना है। वो अगर मीटिंग के आसपास हो ना तो मीटिंग तो वैसे ही समाप्त हो जा रही है। मैं खुल करके कहना चाहूंगा कि ऐसे तो कार्यक्रम चल नहीं पाएगा। अगला जो इसका मुख्य कारण है वो है अहंकार। कार्यकारिणी अपने अहंकार में डूबी हुई है, ये हठधर्मिता अपनाई हुई है। भैया जब सभी लोग, जो संघ के सभी लोग ये कहते हैं कि ललित डंगवाल को साथ में जाना चाहिए, उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि वो अपनी बातों से जो है प्रभावित कर सकता है, उसके पास पास इंस्टेंट
उसी वक्त सोचने समझने की क्षमता है कि अगर सामने वाला ये कह रहा है तो मुझे उसमें क्या रिप्लाई देना है, या फिर उसको कैसे काटना है, या फिर उसकी बात को छोटा कैसे दिखाना है, या उसकी बात पे हाँ कब मिलानी है कब नहीं मिलानी है, ये क्षमता है ललित ढंगवाल जी के अंदर। और वास्तव में एक लीडर के सारे गुण है उनके अंदर। और राजेश धामी जी भी उनमें से एक हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। पकड़ और पहुंच दोनों के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा हेजिटेशन उनके पास है, जो एकदम इंस्टेंट बोलने की जो एबिलिटी है वो ललित डंगवाल जैसी नहीं है। इन दोनों लोगों को किन्हीं न किन्हीं बड़े पद पर होना अनिवार्य चाहिए था। और हम तो ये कहें कि अध्यक्ष पद पर ललित डंगवाल जी और कार्यकारी अध्यक्ष पद पर राजेश धामी जी, इन दोनों को होना चाहिए। भाई जो नीचे की समिति के बाकी सदस्य है ना, जो जनपद स्तरीय या फिर ब्लॉक स्तरीय हैं, वो ऊपर से मिले इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही कार्य करते हैं और वही नीचे इन चीजों को डिस्प्ले करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि किस प्रकार से कार्यकारिणी को बिल्कुल सही दिशा निर्देश दिए जाएं और किस प्रकार से उनको जो है पंप किया जाए। बड़ी बात यह भी है कि वर्ष भर में मीटिंग तो वही एक दो दिन ही हो पाती है, न जाने क्यों एक संघ में लगभग 3,500 लोग हैं, 3,500 समथिंग लोग हैं जो इस समय कार्यरत हैं, उनमें से मीटिंग के दौरान कितने जुड़ते हैं ये भी मायने रखने वाली बात है। कुछ लोग तो पकी पकाई खीर ही खाना चाहते हैं, उनको ना आंदोलन में आना है, ना मीटिंग में अटेंड करना है, ना मीटिंग अटेंड करनी है, ना ही कोई कोष जमा करना है, बिल्कुल उनके लिए तो ये है कि बस ठीक है ये कर रहे हैं तो हमारा तो हो ही जाएगा इनके साथ। भाई जो नीतियां बनेंगी वो सबके लिए एक जैसी बनेंगी, ऐसा भी कई सदस्यों का सोचना है। और जो ऐसा सोच रहे हैं वो अपने साथ साथ दूसरे के भविष्य को भी खा रहे हैं। तो सबसे बड़ा दाग तो उन्हीं के जीवन पर है, सबसे बड़े पापी वो लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे के जीवन को भी खा रहे हैं। भाई आप पर उस व्यक्ति के जीवन का भी पाप लगेगा जिसका जीवन आप खा रहे हैं। भाई जब संघ बनाया हुआ है आप उसकी आड़ पे खुद तो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी उसके लिए कोई योगदान या फिर यूं कहें संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। अगर आज आप लोग साथ होते तो शायद इस आंदोलन का ये हश्र नहीं होता। बहरहाल 2,500 लोग वहां पर जरूर मौजूद थे और इनकी तादाद और ज्यादा हो सकती थी और होनी भी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोगों की निष्क्रियता की वजह से ये मौका मिला कार्यकारिणी को भी कि भाई आप लोग चले गए या फिर आप लोगों ने सहयोग नहीं किया या आप लोग आंदोलन में नहीं आए, वो उन लोगों की वजह से। और इवन इस आंदोलन में मैंने उन लोगों को भी यहां पर देखा जो लोग अभी कार्यरत नहीं है, जो लोग एक एक साल से बाहर बैठे हैं वो भी इस आंदोलन में पहुंचे थे। नमन है उन लोगों को, मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को। और कुछ लोग व्हाट्सएप में ना बड़ा बोलते हैं लेकिन एन मौके पर गायब हो जाते हैं, उन लोगों से भी हमारा एक सुझाव है, या तो आप साइलेंट रहिए या फिर अगर आप बोल रहे हैं ना तो जब कुछ कर गुजरने की बारी आ रही है तो उस समय फ्रंट लाइन आइए, आगे आइए ना। व्हाट्सएप में घर में बैठ करके लिखने से आप महान नहीं बन जाएंगे। सब पढ़े लिखे लोग हैं इस ग्रुप में, सब जानते हैं कि आपकी मानसिकता कहाँ जा रही है,
आप किस मानसिकता के साथ चल रहे हैं, भाई आप सहयोग कीजिए, समर्थन में आइए और संघर्ष भी कीजिए। आखिरकार ओवरऑल आपका फ्यूचर भी तो है उसमें, कि आप किसी अन्य के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर उस ग्रुप में लिखने से क्या फायदा, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं। ये ग्रुप किसी भले कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, अगर आपको इसमें भले कार्य करने ही नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चलाना है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई सही नीति आपके पास है। ये सही तरीका नहीं है। एक अध्यक्ष को कोसना भी गलत है। वो एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, सब साथ आइए ना। मैं मानता हूं उनकी भी कुछ कमियां हैं, लेकिन आप लोगों की भी बहुत सारी कमियां इसमें हैं। सबसे बड़ी जो खुशखबरी आपको देने वाले हैं वो ये है कि आपका डिमोशन हो गया है, बधाई हो आपको। एक समय था कि 5,500 लोग जो थे वो कार्यरत थे, धीरे धीरे वो कम हुए, फिर कम हुए, फिर थोड़ा सा कुछ लोग और प्रभावित हो गए, तो धीरे धीरे आपका डिमोशन होता जा रहा है। कुछ चीजें जो आपको पहले मिलने लग गई थी बीच के दौरान, 2015-16 के बाद से लेकर के 20 तक के दौरान जो मिलने लग गई थी आपको, ELCL या मेटरनिटी लीव या जो भी कहें आप, वो सब आपकी खत्म हो गई है लगभग। ये बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। और आपको जो घरों से दूर दूर भेज दिया गया, पहले आप अपने ब्लॉक स्तर पर थे, अब आप कहाँ पहुंच गए हैं, 1100 किलोमीटर दूर। वो अरविंद राणा जी सदैव इस बात को लिखते हैं, और व्यायाम वाले साथी जो लंबे समय से प्रभावित हैं, अब वो उनके लिए खुशखबरी नहीं है तो क्या है ये बताइए। दुख खबरी कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्द उनका समायोजन हो और जल्द ही जो दूर दराज हैं वो वापस अपने ब्लॉक या फिर अपने जनपद में पहुंच जाए। और ये काम तभी हो सकता है जब नेतृत्व जो है ना सशक्त हो, सशक्त नेतृत्व ये काम करा सकता है, अन्यथा फिर आप इन चीजों को भूल जाइए या फिर संगठन में थोड़ा सा कठोरता लाइए। जिस प्रकार से सॉफ्ट चल रहा है उस प्रकार से सॉफ्ट चलने से तो काम होंगे नहीं, नेतृत्व में थोड़ा सशक्तिकरण होना चाहिए, जिससे कि जो सरकार है या शिक्षा विभाग है उस पर भी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पड़े, इसका प्रभाव पड़े। जब तक उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है इस संघ की बात ही नहीं सुन रहा है कोई, सुने भी क्यों, कमजोर को तो हर कोई दबाता है ना। और वही हाल इस समय अतिथि शिक्षक संगठन का भी हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, काफी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में और तथ्यों को ढूंढने में काफी टाइम लगता है। इन सब पे लंबी स्टडी की और पॉइंट टू पॉइंट इनको लिखें, ये देखिए आप, उसके बाद ही इस पर डिबेट और डिस्कशन कर रहे, पहले इन पर रिसर्च करी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉइंट ये पकड़े और बोल दिए, इन पर रिसर्च करी, क्या ये लीगल हैं, इनमें क्या लीगलिटी है जो सही है, सिर्फ वो दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर इसमें भी कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए तो सभी मित्रों से पुनः आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत जल्द इस पर एक वीडियो और आएगी जो कि इस पर आधारित होगी कि वास्तव में अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुधर कैसे सकता है, जो कमियां हैं वो दूर कैसे होंगी और इनमें सुधार कैसे होगा, और कौन कौन सी पॉलिसीज हैं आपके लिए कि जिन पर ये हो सकता है, जिनसे आपका काम बन सकता है और जिनसे आप एकाध दो कदम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए।